दोस्तों नमस्कार। आज हर व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से पीड़ित, आप किसी भी घर में चले जाइए, वहाँ आपको दवाइयों का डब्बा मिले। दवाइयाँ हमारे जीवन का आवश्यक हिस्सा बन गई हैं। सुबह से शाम तक कोई न कोई गोली व्यक्ति खाता रहता है। क्या करें कि बीमारी से और इन दवाइयों से हमारा पीछा छूट जाए। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसमें आपने केवल अपने खाने के समय को कंट्रोल में करना, खाना अपनी मर्जी से खाना है लेकिन जो समय है उसके ऊपर हमें विशेष रूप से कुछ कंट्रोल करना है। इसके द्वारा हम अपने आप को निरोग बनाएंगे। ये जो तरीका है जिसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ इसको कहते हैं इंटरमिटेंट फास्ट। ये आंशिक उपवास है, पूरा उपवास नहीं है, आंशिक उपवास है। इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है ये हमें हेल्दी बनाता है, निरोग बनाता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, पाचन प्रणाली को मजबूत बनाता है। इसके करने से जो खाना है हमारा वो पेट में पड़ा पड़ा सड़ता नहीं है, वो पच करके हमें ताकत देने का काम। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है, इसको कैसे किया जाता है, इसके क्या लाभ है, इसमें क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए और किन को ये करना चाहिए और किन को नहीं करना चाहिए। इन सभी बातों के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक। दोस्तों मैं जितेंद्र शर्मा सर्टिफाइड योगा टीचर एक्यूप्रेशर में एमडी हेल्थ गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग उपवास करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें हम दिन को दो भागों में बांट देते हैं। जो हमारा 24 घंटे का दिन है उसको दो भागों में बांट देते हैं। एक भाग होता है 8 घंटे का जिसके दौरान हम खाना खाते, दूसरा भाग होता है 16 घंटे का जिसमें हम कुछ भी नहीं खाते हैं, भूखे रहते। यह तरीका हमें हर प्रकार के रोगों से बचाता है। अब हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि भाई भूखा रहने से बीमारियां कैसे ठीक हो जाएंगी। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। भगवान ने हमारे शरीर में एक ताकत दी है, उस ताकत के द्वारा हम हर प्रकार की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। वो डायबिटीज हो, वो हाई बीपी हो, वो कैंसर हो या कोई भी बीमारी, भगवान ने वो ताकत हमें दी है। और इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जब फ्रैक्चर हो जाता है हाथ में या पैर में या कहीं भी, तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर उसके ऊपर प्लास्टर बांध, प्लास्टर बांधने का मतलब है कि उसको हिलने से रोक दिया जाए। जो जुड़ने का काम है वो तो शरीर करता है, कोई दवाई ऐसी नहीं है कि जो टूटी हुई हड्डी को जाकर के जोड़ दे, जोड़ने का काम तो शरीर करता। बाहर से हमने क्या किया, एक वातावरण दे दिया जिससे उसने हिलना बंद कर दिया और वो जल्दी जुड़ गई। लेकिन ये शरीर कब कर सकता है, ये शरीर तभी कर सकता है जब वो फ्री हो, जब उसके पास कोई काम नहीं हो, तो वो बीमारियों को ठीक करने की तरफ अपनी ताकत को लगा सकता। होता क्या है, हमारे शरीर की सारी ताकत तो भोजन को पचाने में ही लगी रहती, उसको ये फुर्सत ही नहीं मिलती वो ये ट्रेस करेंगे शरीर में कहाँ बीमारी है, उसको कैसे ठीक किया जाना है। जो भी कुछ आप खाते हो, वो फ्रूट है, रोटी है, फास्ट फूड है, उनमें सब में पचने में अलग अलग समय लगता है। कोई चीज 2 घंटे में पचती है तो कोई 8 घंटे में, लेकिन हमारी दिनचर्या ऐसी है कि पहला भोजन पचा नहीं उससे पहले ही हम दूसरा कुछ ना कुछ खा लेते। इससे हमारा शरीर केवल उस पाचन क्रिया में ही लगा रहा है। जो ही आपके शरीर में भोजन जाता है तो शरीर के सारे अंग एक्टिव हो जाते हैं। पेट में से हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, आंतों में से पाचक रस निकलते हैं, जो हमारा लीवर है वो भी जूस निकालता है, बाइल जूस, जो भोजन पचाने के काम में आता है। हमारी पैनक्रियाज में से इंसुलिन निकलता है जो शुगर के लेवल को कंट्रोल करने का। तो जो ही आपने कुछ खाया सारे शरीर के जो अंग हैं वो लग जाते हैं उस भोजन को पचाने में। दूसरे शब्दों में बोले तो शरीर की सारी ताकत भोजन को पचाने में ही लगी रहती है, उसके पास इतना समय नहीं होता कि वो जो हीलिंग करनी है, जो बीमारी ठीक करनी है उसके बारे में प्रोग्राम बना सके। इसलिए आवश्यक है कि हमारा पेट कुछ समय तक खाली रहे, पचाने के काम से फ्री रहे, तो जो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स हैं, जो बीमारियां हैं वो उनको ठीक करने की क्षमता रखता है, किसी दवाई की आवश्यकता नहीं। इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ, एक लकड़हारे की। लकड़हारा जंगल में जाकर के पेड़ काटने का काम करता है। उसने अपना एक सिस्टम बना रखा कि वो 1 घंटा लकड़ी काटता है, फिर कुछ देर आराम करता है। जब वो आराम करता है तो वो अपनी कुल्हाड़ी की जो धार है उसको तेज करने का, इसकी वजह से वो लगातार ज्यादा मात्रा में लकड़ियां काट रहा। अब इस बात को हमारे पेट से जोड़ करके देखिए, जब हम खाना खाते रहते हैं ऊपर से और खाते रहते हैं तो पेट उसको पचाता रहता है, उसको रेस्ट करने का समय नहीं मिलता है। हमें क्या करना है,
हमें अपने शरीर को थोड़ा सा आराम करने का समय देना है, उसको खाली रहने का समय देना है। जब वो खाली रहेगा तो वो बीमारियों को अपने आप ठीक करना शुरू। अब हम देखते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के तरीके क्या क्या। इसको तीन तरीकों से किया जा सकता है। जो पहला तरीका है उसका नाम है 16/8 मेथड। इसके अंदर हम 8 घंटे के दौरान भोजन करते, नाश्ता भी, लंच भी, डिनर भी, वो सारा काम हमें इस 8 घंटे के दौरान ही करना होता है। जो बाकी 16 घंटे हैं उसमें हम कुछ नहीं खाते, उसमें हम एक किस्म से भूखे रहते। इस 16 घंटे के दौरान हम पानी पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, ग्रीन टी, कॉफी पी सकते हैं, या जो बिना कैलोरी वाले पेय पदार्थ उनका सेवन कर सकते। और जो 8 घंटे वाला हमारा पीरियड है जिसमें हमने खाना खाना है, उसमें भी एक बात का ध्यान रख, उसमें भी ठूस ठूस करके नहीं खाना, उसके अंदर भी हमने जो है संतुलित आहार का सेवन, पौष्टिक भोजन का सेवन। उसके अंदर हमें ऐसा नहीं है कि अब हमें 8 घंटे खाने को मिले तो मैं इतना खा लेता हूँ कि फिर मुझे भूख ही ना लगे। और उसके अंदर जो ऐसे पदार्थ है जैसे पराठा है, समोसे है, तली हुई चीजें हैं, फास्ट फूड है, उनका सेवन नहीं करना है। हमें अच्छे भोजन जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो, अच्छा प्रोटीन हो, गुड फैट हो, ऐसा भोजन हमें उस 8 घंटे के दौरान करना है। और कैलोरीज का भी ध्यान रखना, जितनी कैलोरीज हमारे शरीर को चाहिए उससे कुछ ना कुछ कम मात्रा में हमें उस 8 घंटे के अंदर भोजन करना। इस तरीके को अपनाने से हमारा वजन भी कम होगा, हमें दूसरे लाभ। दूसरा तरीका है 5/2 का मेथड। इस तरीके में हम 5 दिन सामान्य भोजन करते और 2 दिन हम उपवास कर। वो जो 2 दिन उपवास के हैं उसके अंदर हम सब्जियां, सलाद, दलिया, कुछ ऐसी चीजें खाते हैं जो कम कैलोरीज देने वाली। इस दिन हम एक प्रकार से हम अपने शरीर को थोड़ा सा आराम देते हैं, पाचन से उसको थोड़ा फ्री रख। इसमें भी ये जो 2 दिन है ये हमें लगातार 2 दिन नहीं करना, एक दिन किया फिर 2 दिन खाना खाया फिर एक दिन उपवास। इस प्रकार से हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी। इस तरीके में मेटाबॉलिज्म तेज होता है और हमारा वजन कम। तीसरा तरीका है अल्टरनेट डे फास्ट, एक दिन खाना सामान्य, एक दिन खाना उपवास वाला। उपवास वाले खाने का मतलब क्या है, 500-600 कैलोरी से ज्यादा नहीं लेनी है सब्जियों पर, सलाद पर, दलिये पर, इसी जैसे भोजन जो है उसके ऊपर हमें सारा दिन रहना। इस तरीके से भूख पर कंट्रोल करने की हमारी एक आदत पड़ जाती है और वजन भी घट। इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई ऐसा काम नहीं है जिसको आप एक सप्ताह एक महीना कर लो तो कुछ विशेष अंतर पड़ जाएगा। इसको करने के लिए आपको अपना लाइफस्टाइल ही चेंज करना। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के लिए एक अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि शाम का जो खाना है वो आप सूर्य अस्त होने से पहले खा दी। जैसे मान ले आपने खाना खा लिया शाम को 7 बजे से, अगले दिन सुबह 9 बजे खा लीजिए, 14 घंटे का इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो इस प्रकार से अपने कार्यक्रम में चेंज करके हम इसको अपने लाइफ का हिस्सा ही बना सकते। अब हम देखते हैं इससे हमें लाभ क्या क्या। पहला सबसे बड़ा लाभ है वजन कम करने वाला। देखिए जब हमारे शरीर में फैट जमा होता है तो शरीर के ऊपर अनावश्यक दबाव पड़ता है सभी अंगों के ऊपर और हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो कमजोर हो जाती हैं और इससे हमें कई प्रकार की बीमारियां पैदा हो सकती हैं। जब हम 16 घंटे भूखा रहते हैं तो उस दौरान हमारा जो फैट है वो बॉडी के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उसका उपयोग किया जाए। दूसरे शब्दों में बोले तो हमारी बॉडी जमा जो फैट है, जो जमा चर्बी है, उसको जलाने का काम करती है जिससे वजन कम होना। दूसरा, इंटरमिटेंट फास्टिंग से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होता है। जब खाने के ऊपर हमारा नियंत्रण हो जाता है, हम नियमित रूप से संतुलित भोजन करने लग जाते हैं तो हमारे ब्लड में शुगर का लेवल कम हो जाता है और इंसुलिन का जो प्रतिरोध है वो कम हो जाता है और इससे उन लोगों को बहुत फायदा होता है जो प्री डायबिटिक है। प्री डायबिटिक का मतलब होता है उनको डायबिटीज हुई नहीं है लेकिन होने वाली है। ऐसे व्यक्तियों की संख्या हमारे देश में बहुत ज्यादा है। इंटरमिटेंट फास्टिंग से उनका ब्लड शुगर लेवल ठीक रहता है, वो डायबिटिक नहीं बनते हैं तो हम उनको डायबिटीज होने से बचा सकते हैं इस तरह। नंबर 3, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग से जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है LDL वो कम होता है, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल HDL है वो बढ़ता है। ये ट्राइग्लिसराइड्स को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जलाने का काम कर लेते हैं तो जिससे जो ये हमारा कोलेस्ट्रॉल है इसकी मात्रा कम हो जाती है। देखिए हार्ट को समस्या पहुंचाने वाली क्या क्या चीजें हैं, बुरा कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, डायबिटीज, हाई BP, जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है ये इन सभी चीजों को ठीक करके हमारे हार्ट को सेहतमंद बनाने में, हेल्दी रखने में। चौथा बड़ा विशेष काम है कैंसर को रोकना। आज हमारे समाज में कैंसर बड़ा तेजी से बढ़ रहा है, शरीर के विभिन्न अंगों में कैंसर देखने को मिल रहा है। यदि इंटरमिटेंट फास्टिंग की जाए तो
ये कैंसर के प्रसार को रोकने का काम करता, ट्यूमर की ग्रोथ को कम करता। इस प्रकार जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है ये हमारे शरीर में कैंसर को नहीं फैलने देता और हमें कैंसर से बचा। पांचवा है, ये हमारे मस्तिष्क के लिए, हमारे ब्रेन के लिए बड़ा लाभदायक होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग हमारी नर्व्स को मजबूत बनाता है, ब्रेन की कार्य प्रणाली को एक्टिवेट करने में सहायता करता है, जिससे ब्रेन के अंदर जो इस प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे अल्जाइमर है, जो भूलने की बीमारी है, उस प्रकार की बीमारियों से हमारा बचाव हो जाता है, हमारा दिमाग अच्छी प्रकार से काम करता है। छठा लाभ है, ये लंबी उम्र देने वाला। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से आपके ऊपर एजिंग का इफेक्ट कम हो जाता है, बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है, और वैसे भी आपकी जो उम्र है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। ज्यादा लंबे समय तक आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं यदि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग हमारा वजन को कम करता है, हमारे बीपी को कंट्रोल करता है, हमारे हार्ट को स्वस्थ रखता है, हमारे दिमाग को स्वस्थ रखता है, पाचन प्रणाली को मजबूत बनाता है, मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही एक लाभदायक काम है। कुछ सावधानियां हैं जिसका हमें पालन करना। नंबर एक, इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो 16 घंटे का समय, उसके अंदर हमें पानी, नींबू पानी, चाय जिसमें ग्रीन टी ज्यादा बेटर है, कॉफी आदि का रेगुलर प्रयोग करते रहना चाहिए, जिससे हमें डिहाइड्रेशन। नंबर दो, जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, प्रचुर मात्रा में प्रोटीन और गुड फैट शामिल होना चाहिए। इसके लिए हम जो है ना अच्छी फलों की सब्जियों की, ड्राई फ्रूट्स की, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर तीन, इंटरमिटेंट फास्टिंग से पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए हमें नियमित एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉकिंग करनी चाहिए, योग और प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए। नंबर चार, अपने आप को तनाव से दूर रखना है, रिलैक्स रहना है, इसके लिए 6 से 8 घंटे की नींद का आनंद आपको अवश्य। नंबर पांच, हमारे जो भोजन है उसके अंदर होल ग्रेन को बढ़ावा देना है, साबुत अनाज जिसके अंदर ज्वार, बाजरा, रागी या साबुत गेहूं, चना, इनका प्रयोग हमें ज्यादा मत। नंबर छह, खाने के समय में हमें पराठे, समोसे, कचौरी, तली हुई चीजें, फास्ट फूड, इनका सेवन बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इनको पचने में बहुत ज्यादा समय लगता है। और 7 नंबर की एक सावधानी हमें रखनी है, एकदम से 16 घंटे की फास्टिंग शुरू नहीं, पहले 12 घंटे कीजिए, 13 कीजिए, 14, 15, 16, धीरे धीरे करके इसको बढ़ाइए, और इसको कोशिश कीजिए कि ये आपके लाइफस्टाइल का हिस्सा बने। ऐसा नहीं है कि एक महीना अपन इसको करें फिर छोड़ दें, इसको हमें अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बना। दोस्तों, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि किसे नहीं करना इंटरमिटेंट फास्टिंग। प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं करना। नंबर दो, मिल्किंग मदर्स जो बच्चे को दूध पिला रही हैं, उनको नहीं करना। नंबर तीन, जो कमजोर हैं, जिनका वजन पहले से ही कम है, उनको भी इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करना है। हम ये कह सकते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग न केवल हमारे वजन को कम करता है, ये हर प्रकार से हमारी सब जितनी भी प्रणालियां हैं, ब्लड सर्कुलेशन है, हार्ट है, लंग्स हैं, पाचन प्रणाली है, लीवर है, पैनक्रियाज है, सभी को स्वस्थ रखता है। लेकिन एक खास बात ये, इंटरमिटेंट फास्ट और एक्सरसाइज के साथ में योग प्राणायाम को मिलाकर आप अपने शरीर में पाई जाने वाली किसी भी बीमारी को पूर्णतया ठीक कर सकते। वो डायबिटीज है, आप अपना पूरा एक रूटीन बनाइए, आप उसको ठीक कर सकते। हाई बीपी है, उसको ठीक कर सकते। तो ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, हमें इसको अपने जीवन में अवश्य अपना लेना चाहिए। दोस्तों, यदि आप योग और प्राणायाम के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं, तो मैं 5:15 और 5:30 जूम के ऊपर और हेल्थ गुरुकुल यूट्यूब चैनल के ऊपर फ्री योगा क्लास का आयोजन करता हूं। आप उसमें आमंत्रित हैं, उसके अंदर आइए और आप जो है अपने आप को निरोग बनाइए। हमारा एक सूत्र है, एकमात्र सूत्र है, करो योग रहो निरोग। इस वीडियो को इतना ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।